मैक्सिकन राइस जो कि सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आज हम ऐसे ही मज़ेदार राइस बनाने वाले हैं जिसमें बीन्स, वेजिटेबल्स और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आइए मज़ेदार मैक्सिकन राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक कप बासमती चावल लिए है जिसे अच्छे से धोकर एक घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को सोते कर लेते हैं। तो लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम सोते करेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हम सोते कर पाए। अब हम 1/4 कप छोटे टुकड़े में कटे हुए प्याज डालेंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। तो हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक हमें सोते करना है। अब हम उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को भी मिला लेते हैं। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम उसमें हमने जो चावल धो के रखे थे उसमें से पानी निकाल दिया है वो डालेंगे। तो अभी हमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ चावल ही डालना है और चावल को 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमें सोते करना है ताकि चावल हल्का सा क्रंची हो और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो 1 से 2 मिनट सोते करने के बाद हम उसमें 1/4 कप छोटे टुकड़े में कटे हुए गाजर डालेंगे। और 1/4 कप छोटे टुकड़े में कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे। तो मिला लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। अब हम उसमें 1/2 कप टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो 4 से 5 टमाटर को मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया है। तो टमाटर की प्यूरी को चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट टमाटर की प्यूरी के साथ चावल को पकाएंगे जिससे कि चावल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 कप टमाटर की प्यूरी डाली है इसलिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे। तो नॉर्मली 1 कप चावल लिए है तो 2 कप पानी लगते हैं, पर 1/2 कप टमाटर की प्यूरी डाली है इसलिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे। तो अच्छे से उबाल आने लगा है। अब हम उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कि कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे जिससे कि टेस्ट और खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें हरे मटर भी डाल सकते हो। तो अभी अच्छे से उबलने लगा है। तो अब हम ढक्कन बंद कर गैस की फ्लेम को स्लो करके पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं।
अभी चावल पके नहीं है, एक बार जस्ट हम मिला लेते हैं। अभी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही है तो मैं थोड़ा सा फिर से डाल रही हूँ। हर चावल की क्वालिटी के ऊपर उसके पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो एक साथ ज़्यादा पानी ना डालिए, अगर ज़रूरत लगे तो ही फिर से थोड़ा पानी डालिए। तो फिर से ढक्कन बंद करके 10 से 12 मिनट पकने देते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, भी अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। अब हम उसमें 1/4 कप बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न डालेंगे, 1/4 कप स्प्रिंग अनियन डालेंगे, 1/2 कप बॉईल किए हुए राजमा डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ढक्कन बंद करके फिर से 2 मिनट के लिए होने देते हैं, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक दूसरे के साथ टेस्ट अच्छे से बैठ जाए। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर आया है। तो चावल को चेक कर लेते हैं, देखिए ये अच्छे से पक गए हैं, ये आराम से टूट रहे हैं, मतलब अच्छे से पक गए हैं। अब हम उसमें थोड़े से धनिया पत्ता डालेंगे और गैस को बंद कर देते हैं और एक सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। तो लग रहे हैं ना बहुत ही कलरफुल। तो ऊपर हम थोड़े से राजमा डाल के गार्निश करेंगे, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, और ऑनियन की रिंग से हम गार्निश करेंगे। कैप्सिकम की स्लाइस से भी गार्निश करेंगे और नींबू भी रखेंगे। तो लग रहे हैं ना एकदम कलरफुल राइस। तो तैयार है हमारे डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी मैक्सिकन राइस, जो कि बनाने में भी बिल्कुल ही आसान है। आप इसे टिफिन बॉक्स में या तो डिनर में भी सर्व कर सकते हो, तो रूटीन राइस से थोड़ा सा अलग टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इस डिलीशियस राइस को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाए, ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।